मानी तरीके तैयारी से आपका मेजबान रफीक अंसारी गादिर, और आज हम मौजूद है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर में, यानी जिसे कहते हैं बरना ग्रुप, और ये है हमारा ग्रीन पैनल का मरकजी दफ्तर। और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बेशुमार काम किए, और बंद मुट्टी रमजान मुबारक के अलावा कोरोना वायरस की वबा आई और उसमें भी हमारी केयूजी ने बड़े काम किए, यानी कि बरना ग्रुप यानी कि ग्रीन पैनल ने। और कहा जाता है कि रमजान मुबारक ये मुकद्दस महीना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला तेरी करने वालों पर रहमत फरमाता है, और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। हमारे प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से होगा, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राय जो हमारे दिलों को तिलावत कलाम रब्बानी से मुनव्वर करेंगे। तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे प्रोग्राम का आगाज हुआ। मोहम्मद राही ने शख्सी तौर पर कहा जाता है कि रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में कुरान पाक भी नाज़िल हुआ और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने तिलावत की। हमारे साथ मौजूद है कामरान लाशारी, और कहा जाता है कि कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है और तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। ये तलब थी अम्बिया को रुखे मुस्तफ़ा को देखे, और ये नमाज का वतीला उन्हीं काम आ गया है। तो गुलाए अकीदत का नजराना पेश करेंगे कामरान लाशारी। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, नबी के पाक लंगर पर जो पलते जो पलते हैं कभी उनकी जुबान मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, जुबान मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और यकीन तौर पर कहा जाता है कि आज हम कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी दफ्तर में बैठे हैं। हमारे साथ साबिक सदर हसन अब्बास मौजूद हैं, इनके साथ एजाज खान जो कि इस वक्त मौजूदा पार्टी के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य चमाली साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे साबित बॉडी में भी रहे जनरल सेक्रेटरी, साबित बॉडी में जनरल सेक्रेटरी थे और अब मौजूदा बॉडी में भी ये जनरल सेक्रेटरी। इनके साथ मोहम्मद राहिल भी बैठे हैं, कामरान लाचारी साहब हैं, और सईद जान पल्लू साहब हमारी ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की भी मरकज कमेटी में है, और साथ हमारे उबैर साहब भी बैठे हुए। तो आज होगी तहरीक दस्तरखान पर बड़ी मज़ेदार बातें, क्योंकि तहरी भी लगी हुई है और मज़ेदार खाने भी लगे हैं। तो हसन अब्बास भाई, हम अपने प्रोग्राम का आगाज हुए। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई ये बताइए कि रमजान के रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दिए, रख रहे हैं, जब तक तौफीक अल्लाह ताला दे रहा है रखेंगे रोजे। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला ने अपने नेमतों के जो दरवाजे हैं वो इस महीने में खोल देता है अल्लाह ताला, और हर मुसलमान को जिसे भी ये रोज़े मिलें उसे अल्लाह ताला ये तौफीक दे
कि उसे सआदत हासिल हो जाए कि वो रोज़े रखे, अपने जिस्म की ज़कात है, अपने नफ्स का तस्किया है कि वो चीज़ें जो कि आपकी दस्तरस में होती हैं लेकिन आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसके हुक्म के मुताबिक कि फ़र्ज़ है ये रोज़ा जो है हर मुसलमान पे, तो उस फ़र्ज़ को अगर आप उसी पूरे उसके अखलास के साथ उसके अहकामात के साथ अगर करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल करे और उसकी जो रहमतें हैं वो मुसलमानों पे नाजिल हों और हम सब पे जो है इसका एक बड़ा मतलब आप देखें कि दस्तरखान जो है ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला ऐसी बरकत देता है कि वसी से वसी तर हो जाता है और आपकी अकल दंग रह जाती है कि इतनी नेमतें अल्लाह ताला इस महीने में उतारता है कि आप 12 महीने जो चीज़ें आपका पास होती नहीं है वो आपके दस्तरखान पे अल्लाह ताला कैसे इंतज़ाम करता है ये उसका भेद है। और बस रोज़ा रखना चाहिए, अपना नफ्स का तस्किया करना चाहिए और अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश की। अच्छा भाई ये बताइएगा, चलिए तो तहरी की बात है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का साबित सदर रहे और बेशुमार काम किए, तो कुछ करानी या कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं जो सबका दौर में हमारे मेहरान के लिए काम हुई। देखें अभी गुश्ता माह जो है नई बॉडी आ गई है एजाज अहमद, हमारे पूरी बॉडी माशाल्लाह से, और ये एतमाद था उसी का कि जो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपने मेंबरान के साथ खड़े रह के हर मुश्किल वक्त में गुज़िश्ता 1.5 साल से ये कोविड की जो सूरत हाल आई वो हमारे लिए समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि बींग प्रेजिडेंट और बींग मेंबर के वजह के सबसे मुश्किल वक्त था जो हमने गुजारा पिछला 1.5 साल, कि हमारे पास हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस बहरान से कैसे निकलेंगे, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बॉडी ने उस पर एफर्ट करी और लोगों की खामोशी से मदद भी हुई, जो माली तौर पे हम कर सकते हैं जो हमारा फंड है वो माली तौर पे भी हुई, फिर जो हमारा एक हमने फूड सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों की जो है वो हमने उनको गिफ्ट की सूरत में दिया, क्योंकि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ है और अल्लाह ताला इस पे हमें सबको कायम भी रखे वो ये है कि मेंबर्स की मदद हो और ख़ामोशी के साथ हो और किसी के पब्लिसिटी हम नहीं करते। बहुत सारे लोग जो हैं कोई एक आटे का थैला दे के तस्वीरें बनाते हैं, वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है और हम समझते हैं कि कराहियत का काम है, इस किस्म का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी की मदद करें और फिर उसकी पब्लिसिटी करें। बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं जी, जिन्हें पता नहीं होता कि क्या किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक सिस्टम बना हुआ है, लोगों की खामोशी से मदद भी हो जाती है, मेंबर्स आते हैं और मुतमईन भी होते हैं और उसी का मज़र था कि ये इलेक्शन जो हुआ आप देखें उसमें हमने यहाँ पे पूरा प्रोसीजर यहाँ पे जो था उसको अडॉप्ट किया गया, इलेक्शन कमेटी के थ्रू फॉर्म सारे जमा हुए तो लोगों ने एतमाद किया और कोई मुकाबले पर ना आना आपके असल में एतमाद का एक सबसे बड़ा वो इजहार होता है लोगों का। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अभी एक काम इतना बड़ा किया जो पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल है कहीं नहीं हुआ होगा कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपने फंड से न सिर्फ कराची में जो अपने मेंबरान हैं उनके हेल्थ इंश्योरेंस करवाई बल्कि यहाँ से लेके सिंध के 19 जो अजला हैं उनके अंदर भी जो हमारे PFUJ से वाबस्ता यूनियंस हैं यूनिट्स हैं वहाँ जो लोग मुश्किल का शिकार थे उनको भी हमने ये कार्ड जो हैं वो जाके दिए और पूरा सिंध जो है इस वक्त बहुत खुश है। हमारे सिंध चैप्टर के सदर हैं सही जान बलोच साहब, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम किया है, फाल किया है तंजीम को और दीगर आप देखें बहुत सारे ग्रुप्स तो बन गए हैं लेकिन कोई अमली तौर पे उन जगहों पे कहीं नज़र नहीं आता कि कोई ग्रुप काम कर रहा हो। तो जो PFUJ जिसे हम PFUJ कहते हैं, बाकी तो हम धड़ा कहते हैं कि किसी ने कोई धड़ेबंदी कर ली है, तो वो तो कहीं नज़र नहीं आते, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। फिर आप देखें कि हमारा एक साथी था सक्कर का अजय ललवानी, उसके साथ उसका मर्डर हो गया, उसके ऊपर भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई, फिर हम गए भी, उसके घर भी गए, एजाज भाई भी गए, सही जान बलोच भी गए, मैं भी गया, हमारे शाहिद गजाली जो PFUJ के मरकजी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी हमारे साथ गए, तो एक हमने जाके इजहारे यकजहती भी किया, उसके ऊपर मौसर आवाज़ भी बुलंद की और उसका नतीजा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अरेस्ट भी हुए हैं। तो KUJ जो है ये अपने काम जो है वो पूरे तरीके से अंजाम दे रही है, जो उसके वसाइल हैं मैं कहता हूँ उससे भी बढ़कर हम काम कर रहे हैं। असल में ये तो आपने KUJ की कारकर्दगी बताई, अब आपसे कुछ बात करते हैं आपके लड़कपन की,
तो ये बताया कि लड़कपन के हमने रोजा रखा होगा, स्कूल गए रख के और वापस आए पानी पी लिया, तो आज रमजान मुबारक है, मुकद्दर नहीं ना, इसमें झूठ नहीं, नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। लड़कपन में आपको पता है कि जब बचपना होता है तो बचपने की हरकतें भी होती हैं और अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि नादानी का एज होती है ना आपकी, तो बहुत सारी आपकी चीज़ें होती हैं। तो हम भी थे, हमने एक दफ़ा ये किया कि वो अब तो वो सिलसिला नहीं रहा कराची में, पहले बहुत सारे इलाकों में बर्मे लगे हुए होते थे, हैंडपम्प जिसे कहते हैं। तो गर्मी थी बहुत शदीद, जून का महीना था, रोजे थे और स्कूल हम गए, वापसी में हमने तौलिए वाला कपड़ा सर पे रखा, उसको भिगो भिगो के हमने कहा रोज़ा यार अब एंड हो गया, अब हम जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमने खूब बर्मे से पानी पिया, हूँ साफ किया और जब खूब पेट भर गया हम फिर एक्टिंग करते हम घर आ गए कि बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, नानी ने हमारी जो है वो कहा भाई बहुत ये तो मेहनती बच्चा है तो रोज़ा रख रहा है ऐसे। जब रोज़ा खुल गया तो फिर वो हमने अपनी अम्मी को बताया, वाले तो थे नहीं, मैंने कहा मैंने तो पानी पी लिया था, मैंने शोखी में बताया और फिर जो जूता था और उनका और फिर जो मेरी मार लगी है कि ये क्या काम किया। फिर वो एक वो होता है कि बड़े बूढ़े करते थे कि भाई ये कुफारा इसका अदा करो, ये इसने क्या काम किया, तो वो जो है वो फिर डांट डपट बहुत होती थी। मुझे याद है कि बाकी रोज़ों में जो है शहरी के वक्त जो है मुझे जो है वो सब आज ये काम किया है आप पता कर लेंगे अब, तो वो एक बचपन में ये सारी जाहिर है होता है, रोज़ा लगता भी था बहुत, लेकिन रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाइयों ने, हमारी वालदा ने ऐसा किया था कि वालदा भी मेरी पेशेंट भी थी, शुगर पेशेंट भी थी, लेकिन सब रोज़ा जो है वो घर में रखते हैं। इस मरतबा कुछ गर्मी का इशू आया था कुछ दिनों में, लेकिन मजमूरी तौर पर ये रमजान बेहतर जा रहा है पिछले रमजान के मुकाबले में। तो आपको क्यों ख्याल है कि आज इफ्तार और दही कराने का? एक्चुअल हम यहाँ पे अक्सर दोस्तों के साथ आजकल मिलना नहीं हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है इस पर, तो हमें वर्क टू होम किया जा रहा है, हम घर से काम कर रहे हैं, दोस्तों के साथ मुलाकात नहीं हो रही थी, बैठना नहीं हो रहा था, तो आज बस एक जहन में आया था कि एक गैर रस्मी तौर पर हम एक साथ बैठें, इफ्तार करें, सहरी करें, तो उस हवाले से यहाँ कुछ दोस्तों को अपने खास साथियों को यहाँ जमा किया, केजरी पार्टी को जमा किया, हमारे पीएफए के कुछ लोग थे उन्हें जमा किया और बैठ के बस इफ्तार किया और अब यहाँ सहरी करने का फिर है। अच्छा इजाजत ये बताइएगा कि आप बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं पूरी बॉडी, तो आप समझ रहे थे कि यहाँ इलेक्शन होगा और जबरदस्त हम मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, वहाँ जाके कंपेन करेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ, तो आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर मुकाबले में आना चाहिए था? नहीं गहमा गहमी होनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है, लास्ट ईयर भी थोड़ी बहुत गहमा गहमी हुई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लास्ट बॉडी थी जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हमारे हसन अब्बास भाई हैं, उस बॉडी में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट था, आसिफ जमानी साहब उसको भी सेक्रेटरी थे, तो हमारी बॉडी ने कुछ ऐसे काम किए जैसे अभी हसन अब्बास भाई ने उनका जिक्र किया कि इलाज मुआवजे की लोगों को सहूलतें, फिर लास्ट कोविड में जो हमने घरों पर लोगों के जा करके खामोशी से इमदाद की थी, राशन तकसीम किया था, उसके अलावा दीगर बीमारों को उनकी सपोर्ट की थी, किसी के स्कूल के बच्चों के फीस के मसाइल थे वो हम किए थे, तो हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह इतना था कि जिसकी वजह से हमें एक्सपेक्टेड था कि हमें हमारे मुकाबले भी शायद ही कोई आए और वो हमारी तवक्कुआत पूरी हुई और कोई भी हमारे मुकाबले पे आया। अच्छा ये जानता ये तो बात है कि आदिल भाई और आदिल जमाली साहब पिछली जब बॉडी थी और मुसलसल अपने मुखालिफिन को कहते रहे कि इत्तेहाद कर लो, इत्तेहाद कर लो ताकि एक मेजोरिटी होगी और हमारे मुतालबात हमारे हुकूमती सत्ता पे जो काफी वो परेशानी वो हल होगी, तो ऐसा नहीं तो मगर उस वक्त हसन अब्बास जमाली कहते थे हम इस्तीफे देने के लिए तैयार है, तो क्या अब आप मुंतखब हो गए हैं तो उस पार्टी को जोड़ेंगे? ग्रीन पैनल से हमारा ताल्लुक है, हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो है हर जिस तरह से ग्रुप्स इलेक्शन लड़ते हैं उसी तरह हमारे ग्रुप का नाम है ग्रीन पैनल और हमने से कोई भी किसी भी ओहदे का तलबगार नहीं है, हम पहले भी साथियों के इत्तेहाद के हामी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, साथियों का इत्तेहाद एक्चुअल कोई लड़ाई या झगड़े नहीं हुए यहाँ पे, बस ये है कि जिसको अगर कोई इलेक्शन में हार गया जिसको किसी ओहदे के लिए मुंतखब नहीं किया गया उसने अपनी मर्जी से चार लोग जमा किए और उसने अपनी केयूडी बनाने का या
पीएफ यूजे बनाने का ऐलान कर दिया, तो वो ना, मैं ये समझता हूँ कि वो ना कोई केंद्र है ना कोई पीएफ यूजे है, वो सिर्फ महज एक चंद लोगों के ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रो हैं, धड़े हैं, जो अपने मफादात के लिए बस यज्ञ होके और उन्होंने सहाफती अंजुमनों का नाम दे दिया है। मौजूद है और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए सदर जाएंगे ग्रीन पैनल, हमारा पैनल है बड़ा मकबूल पैनल है, क्योंकि आज उन पैनल की याद आ गई तो हमारे कुद्दूस भाई याद आ गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि उनकी जो खिदमत थी ना और वो ग्रीन पैनल के लिए जवाब रहते हैं, तो हम आप बात करते हैं आज हमारी जमाली साहब थे, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी है और ये अभी मुस्तकिल होकर आए, तो पहले भी हमारी बॉडी में थे। अच्छा ये बताइए कि रमजान मुबारक का ये मुकदस महीना है और हमने कुद्दूस भाई की बात की, तो रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाया, तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट साहब क्या पैगाम लेकर आई अपने मुकाम के लिए? जी देखें, पहले तो कुद्दूस भाई की मगफिरत दुआ, क्योंकि वो हमारे सीनियर्स थे, कुद्दूस भाई के अलावा भी हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे। जब आप बात करते हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मतलब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और इसके जो बानियान थे या जो जिन लोगों ने साफियों के हुकूम की जदोजहद की, वो बड़े नाम थे अपनी तारीख के अपने दौर के। विनाश मोहम्मद बिरला एक बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने पूरी जिंदगी साफियों के हुकूम की जदोजहद की, और बहुत बड़े के यूनियंस थे वो। निसार उस्मानी साहब को भी हम याद करते हैं जब हम कुद्दूस साहब को याद करेंगे, फिर अमीन छापरा को भी याद करेंगे, एहफाज रहमान साहब को भी याद करेंगे, और इस तरह वे तहाशा किरदार हैं जिन्होंने इस तंजीम के लिए, इस तंजीम में रहते हुए साफियों के हुकूक के लिए ना सिर्फ जदोजहद की, ना सिर्फ झेलें काटी बल्कि कोड़े भी खाए। ये हमें एहसास है कि हम उस तंजीम के लोग हैं, हम उस जदोजहद के तसलसल हैं जिन लोगों ने साफियों के हुकूक के लिए कोड़े खाए, झेलें खाई। आज भी हम ये नारे लगा रहे हैं कि कोड़े खा के हम जिंदा हैं, तो इसका मतलब ये कि हम उस तसलसल को याद करते हैं जिसमें कुद्दूस साहब का आपने जैसे जिक्र किया, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको हम हमेशा याद करते हैं, सिर्फ आज आपने नाम दिया तो हमने याद किया, वरना वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर जदोजहद का वो हिस्सा है, क्योंकि वो हमारी तारीख है, अपनी तारीख को हमेशा याद रखते हैं। अच्छा आजिद भाई, आज तहरी का इंतजाम किया गया है केयूजी की तरफ से, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ज़बरदस्त शहरी, वैसे भी रोज़ाना करते हैं, जाने में आमतौर पर हम अपने घरों में हम सभी शहरी करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपकी वजह से या खूसी तौर पर एजाज भाई की आज रफ्तार पार्टी थी, फिर रफ्तार के बाद शहरी का यहाँ पर जिस तरह इंतज़ाम हुआ है, मेरे ख्याल ये भी एक नई रवायत है। ये मैं कैदियों की का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इस प्रोग्राम के जरिए एक नई रवायत डाली जा रही है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा जात के लोगों से मिलकर शहरी का एहतमाम किया जाए, और स्पेशली जब आप साथ ही खास तौर पे इस तरह की सरगर्मियों से आमतौर पे बड़ा या तो रात को देर तक साथ ही अपने दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं, या फिर सुबह जल्दी उनको दफ्तरों के लिए निकलना होता है, तो इस तरह के शहरी के प्रोग्रामों में साफ ही आपको कम मिलेंगे, लेकिन आपने खुसूसी तौर पे जिस तरह ये अहतमाम किया, मेरा ख्याल है बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि हम सब मिलकर। देखिए मैं आमतौर पर बचपन से लेके चाय और पराठे का शौकीन हूँ, तो यहाँ चाय का अहतमाम जरूर है, लेकिन उसके बाद लस्सी है, दही है, ये सारी चीज़ें जो है, हम चूँकि बुनियादी तौर पर देहाती लोग हैं, तो हमारे अपने बचपन से ये बिरयानी या चटपटी इस तरह की चीज़ें हमें कम मयसर हुई। देहात में दूध आमतौर पर आज भी अगर शहरी के वक्त आप देहात में चलेंगे तो लस्सी, दूध, दही, चाय या पराठा, ये चीज़ें ज़्यादा मयसर बचपन से हमें हुई, तो हमें आज वो चैन चल रहा है, ज़िंदगी की वो आदतें आज भी चल रही हैं जो बचपन से इंसान में पैदा होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि शहरी में वही लस्सी और दूध और दही या चाय। अच्छा आसम भाई को बिल्कुल सच्चाई तो बता दिया कि उन्होंने अपना बैठना के अंदर पानी पी लिया था तोलिया रखकर, तो आपने भी ऐसे कोई हमें बहुत रोजे तोड़े हैं बचपन से सर, होता ही ये हम जो है हमारा जो इलाका था, जो हमारे गांव थे उसके करीब ही एक नहर है, बहुत बड़ी तारीख नहर है, तो होता ये था कि या तो स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद फौरन ये मशीला होता था कि चले नहर पे नहाने चलते हैं,
तो असल में अगर रमजान शरीफ में रह के नहाने का मतलब ही रोजा तोड़ना होता था, हम जितने भी 8-10 लड़के होते थे गए और नहर में डुबकियां लगाए, डुबकियां लगाने में नेचुरल सी बात है। वैसे भी अगर आप ना चाहें तो भी पानी जो है कहीं ना कहीं इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है, जब आप पूरे का पूरा नहर के अंदर तैरते हैं और चले जाते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा मशला था रोजे तोड़ने का, उस जमाने में बचपन में घर में नहीं बताते थे, झूठ बोलते थे लाजमी है कि, और वैसे मना भी होता था कि रोजे के दौरान नहर पे जो है वो नहाने मत जाया करें। लेकिन बहर तो थे मोहम्मद राही बड़े, इन्होंने बिलाते कराने पाक थे हमारे कुरान का आगा थे। तो राही लगता हूँ राही बताइए कि आपकी नजर मुसलसल बिरयानी पर है, तो आप शहरी में क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? आपको तो पता है कि कराची वालों की बिरयानी में बहुत अजीब मुश्किल है, शहरी के अंदर बिरयानी नहीं पाती है। बैठे आदि जमाही साहब भी है, अपने इलाज साहब भी है, सही चांद गुरु साहब भी है, कमरा नाशे के ऊपर जबरदस्त इलाज भी पड़ी थी। तो ये बताइए कि ये सब लोग मौजूदगी में आपको कैसा लगा है? मुझे जो लोग जानते हैं उनको बताया कि तो आपको क्या चीज पसंद है? बिरयानी और आप बताए पसंद है। हमारी मोहम्मद राय आदि जमाली साहब एजाज अहमद साहब और अक्सर अब्बास साहब से बातचीत हो रही थी, क्योंकि रमजान मुबारक का ये मुकद्दस महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहरी करो क्योंकि तहरी में बरकत होती है। तो हमारे साथ मौजूद है सही चांद साहब और इनसे बात करेंगे मदीने और मक्के शरीफ की, क्योंकि इन्होंने उमरा भी किया और हज भी किया और ये वहाँ पर रमजान मुबारक की इन्होंने तहरी भी की और उमरे भी खाए और कजवा खजूरें भी खाएं, जिनकी बड़ी रहमत है। सैदा ये बताइए कि आपने रमजान मुबारक के मुकद्दस रोजे चाहे कि मदीने शरीफ और मक्के शरीफ रखे, तो वहाँ की तहरी और यहाँ की तहरी कैसी लगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने भी रमजान मुबारक में उमरा अदा किया तो वह उसका सवाब मेरे साथ हज करने का। तो अल्लाह पाक ने एक मरतबा से जायद मुझे ये सआदत नसीब फरमाई कि मैं रमजान मुबारक में उमरे पे गया और मक्के में और मदीना मुनव्वरा में, और वहाँ की इफ्तारी सहरी रोज़े उनकी तमाम एक एक चीज़ जो है वो दुनिया में उसका लुत्फ जो है कहीं भी हो वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो वहाँ पे होगा। आप उस इफ्तारी का तसव्वुर करें कि जब आपके सामने खाना काबा आपके सामने हो और अरब शरीफ में आप बैठे हो और अजान हो, तो उस इफ्तारी का जो लुत्फ है जो वो है वो आप वैसे भी जो एक नमाज का जो वहाँ पे सवाब है वो 50,000-1,00,000 के बराबर है। तो जाहिर है उसका अपना है कि अब मदीना में अगर आप इफ्तारी कर रहे हैं और मोहम्मद खजरा आपके सामने है तो उसका लुत्फ ही कुछ और है। लेकिन जाहिर है कि सारी ज़िंदगी आप वहाँ पर इफ्तारी सहरी नहीं कर सकते, तो जाहिर है अपने घर में बचपन से जो हमने चीज़ें अडॉप्ट की हैं, जो
हमारे वालदेन, हमारे बुजुर्ग और दोस्त अहबाब के साथ हम बचपन से लेकर अब तक जो, क्योंकि ऐसा क्योंकि शोभा सहाफत में आने के बाद तकरीबन 20-21 साल हो गए, कोई ऐसा रमजान नहीं है कि हमने 4-5 इफ्तारियां जो है वो घर से बात ना की। तो जिस तरह ये आज भी हमने एजाज भाई ने जिसे इफ्तारी का एहतमाम किया था, तो हमने वैसे बाहर जो इफ्तारी की, इससे पहले भी एक इफ्तारी थी, तो आज सहरी का एहतमाम जो है वो है। और उसमें जो है और कहा जाता है की रिवायत है की एक तैयारी करो खजूर अजवा खजूर, तो आपने वहाँ जो खजूरें खाई तो उसका लुत्फ कैसा लगा? देखिये वहाँ पे अजवा खजूर, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ की मैं घर पे आज भी जो है मैं अजमाजवा से ही इफ्तार करते हैं। ये हमारे मुश्तर 15 साल से जो है वो है, हालांकि इस दफ़ा जो है वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अजवा वहाँ से आएंगी क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन हमारे दोस्त हैं मदीना में वो आए थे, वो लेकर आए, तो मैं वहाँ भी अजवा से इफ्तार करता हूँ, यहाँ भी अजवा से इफ्तार करता हूँ। ये अल्लाह की अगर हम अपने छोटे कामों को तो अनगिनत काम है जो कि हमने किए हैं, और असल में ये सारी चीजें हुई है टीम वर्क पे। असल अब्बास उस टीम को लीड कर रहे थे, आज एजाज भाई लीड कर रहे हैं, आज जमाली लीड कर रहे हैं, इससे पहले हमारे और दोस्त भी लीड कर रहे थे, जमाली साहब ने साफ किया है के विजय को, उनकी बड़ी खिदमत है। तो हमने जो अभी जो काम किया है रिसेंटली, हमने जो है वो 1-1.5 महीने पहले जो काम किया है इंश्योरेंस का, वो इतना बड़ा क्रेडिट है के विजय के लिए कि मैं ये समझता हूँ कि अगर के विजय अब कोई और काम ना भी करे तो लोगों का एतमाद के विजय के ऊपर इतना ज्यादा है कि आप उसको सोच नहीं सकते। हमारी सबसे बड़ी बात के विजय की ये हुई कि हमने ये एहसास किया, हमने ये महसूस किया, खुसूसन हसन अब्बास को इस बात के जो है वो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अमूमन देखे कराची में हम सब जो है किसी ना किसी अखबार से चैनल से वाबस्ता है और हमारी सैलरीज हैं भी हैं, तो अगर हम सिंध के दिगर अजला में अगर हम जाएं तो वहाँ पे क्योंकि हम कोविड की जो सूरत हाल थी उसके इंटरनेशनल पेट्रोल यूनियन बिजनेस के दायरे पर हम गए थे, तो बहुत ख़राब सूरत हाल थी, उसकी जो रिपोर्ट हमने बना के दी थी, तो यकीनी तौर पर असन अब्बास ने भी उसका जायजा लिया होगा, ये सोचा होगा कि वहाँ पे लोग, क्योंकि उनकी किसी ने मदद नहीं की थी जो कोविड से मुतासर हुए थे, बीमार हुए थे, किसी ने अपने जरिए से इलाज करवा लिया तो करवा लिया, वहाँ पे वो लतीफे या इस तरह की चीज़ों से गुजारे चले। ये तो बात कर ली कि जो भी है तो ये बताएं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो कारनामे अंजाम दिए और जो भी मजीद काम कर रही है और आगे मजीद इनका आगे प्लान अच्छा काम करने का, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने मेरा जो जहाँ तक जो है कि जो कायदीन है हमारे, ठीक है, वो दूसरों के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए मैं मिसाल कायम करते जा रहे हैं कि एक से एक बढ़ के अलहमदिल्ला काम हो रहा है, अल्लाह पाक का करम है। हसन अब्बास भाई ने जो काम किया है इंशाल्लाह हमारे जो अभी मौजूदा सदर हैं वो उस काम को आगे बढ़ाएंगे, सेक्रेटरी साहब हैं हमारे ठीक है वो उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और कोशिश है इंशाल्लाह कि तमाम जो भी बॉडी है
वो अपने दोस्तों को अपने साथियों को कल्चरी तो आसाना बात की आपने तारीफ की, जी एम जमाली की बात करते हैं, उसने इस केयूजे के लिए भी जो काम किया तो उसके बारे में उसकी भी तो तारीफ होनी चाहिए, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी एम जमाली साहब, देखिए बात यह है कि हम क्योंकि मकामी सतह पर हैं, इस वजह से वो हमारे मरकजी लीडर हैं, और मरकजी लीडर जितना मजबूत होगा और जितना वो होगा सारे मकामी जो यूनिट्स हैं वो उसी तरह जो है बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। हम जो भी काम करते हैं तो जाहिर है अपने लीडर्स के लीडर्स को देखते हुए हम काम करते हैं कि जी ये हमें कितने सपोर्ट करेंगे, और वो उन्होंने हर मौके पर हमारा भरपूर साथ दिया, चाहे वो जैसे अपने मुख्तलिफ घरों को मुतहद करने की बात की तो उन्होंने भी सबसे पहले अपना इस्तीफा पेश किया कि मैं इस्तीफा दूंगा अगर ये सिलसिला हो जाए। हमारे साथ कामरान लाशारी साहब मौजूद थे, हम कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी दफ्तर में बैठे हैं, और इसे कहते हैं हम ग्रीन पैनल, क्योंकि ग्रीन पैनल जब हमको याद है कच्चे थे जब हमारे मरूम कुदूत भाई थे तो उन्होंने ग्रीन पैनल का नाम रखा था, मुझे जो कह रहा है उससे पहले अगर नाम रखा होते दिन तो मुझे नहीं मालूम, मगर कुदूत भाई के बारे में मुझे ज़रूर पता है, क्योंकि कुदूत भाई की जो खिदमात थी उनके साथ साथ हम बात करते हैं जी एम जमाली की भी, और जी एम जमाली के साथ हम करते हैं ताए लक्ष्मी ताकी की, क्योंकि वो हमारे पीएफपी जगह पानी है, तो उनके बारे में कुछ हसन भाई से पूछते हैं। हसन भाई ये बताइए कि जी एम जमाली ताहिर नजमी के साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें ताहिर नजमी साहब तो जब ग्रीन पैनल की हमने बुनियाद रखी थी तो उसमें उनको ग्रुप का हमने सरबरा बनाया था, और जी एम जमाली जो हैं वो 2012 में जब के यू जे के सदर मुंतखब हुए तो आज के यू जे जो इतनी मुस्तहकम है ये क्रेडिट जी एम जमाली को बेशक जाता है कि के यू जे के लिए जो एक एंडोनमेंट फंड का क्याम था 5 करोड़ रुपए का, वो ग्रांट लाना, फिर एक के यू जे के लिए मेंबर्स के लिए एक ज़मीन का उसूल था, वो एक बड़ा काम था, वो मामला भी हमारा कोर्ट में इंशाल्लाह वो मसला भी हल हो जाएगा, तो वो बड़ा काम था। ताहिर नजमी साहब ने ग्रुप को एक यकजा रखने में जो है अपना बहुत किरदार अदा किया है कि जिस धीमे मिजाज से वो उनकी शख्सियत है एक चीज़ों को समझने की, कोई भी ऐसी चीज़ वो आप कभी उनको, मैंने तो मुझे उनके साथ एक इदारे में काम करते हुए 23 बरस हो गए, मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा कि उनको कभी किसी पर शाउट होते हुए देखा हो। जो आप मेरी बात कर रहे थे, हाँ मैं इसको अपनी कोशिश करता हूँ कि ना हो, और अल्लाह ताला इससे जो है निजात दिलाए, और हर एक को के गुस्सा जो है वो मुझे शायद जल्दी आता है और बुरी आदत है, अल्लाह ताला इससे मुझे निजात दिला दे, दुआ दोस्तों से भी कहता हूँ कि मेरे हक में क्या करें, लेकिन एक चीज पे मैं मुतमईन होता हूँ। आपने कहा गुस्से की बात, आपके गुस्से में प्यार भी बहुत है। नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ किसी का दिल ना दुखे, बस अगर हो जाता है अगर कभी तो मुझे फिर बाद में वो फील बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। आजिज जमाली मेरे साथ 2.5 साल सेक्रेटरी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत सारे लोगों का शायद ये ख्याल भी था कि शायद ये इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं होगा और ये बॉडी किस तरह चलेगी, लेकिन आप देखें कि उसी बॉडी ने कि जिसके बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे थे, मेरा ख्याल है केयूजे की तारीख के सबसे ज़्यादा काम जो है वो बॉडी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम में करके गई है, और अभी सईजान जो है हमारे वो सिंध को जो है जिस तरह से चैप्टर को जो है वो काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा काम है कि कराची से बाहर आप सफ़र करें अपने घर से जो है, क्योंकि लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो केयूजे के अहदेदार हैं पीएफयूजे के अहदेदार हैं ये कोई सैलरी नहीं, इनको तनख्वाह नहीं मिलती, ये वॉलंटियरली अपनी जो है खदमात पेश करते हैं, और फिर उस तंजीम के लिए जो है काम करना होता है, एक मुश्किल टास्क होता है, और मेरा ख्याल है ये सही जान को जो टास्क दिया है हमने वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है कि यहाँ से लेके आप सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाना, सफ़र करना, फिर वहाँ के मसाइल, फिर उनके ऊपर, तो एक बड़ा मुश्किल मरहला है जो कोशिश कर रहे हैं। लोग तनकीद करना सबसे आसान काम है किसी की ज़ात पर, लेकिन अगर आप उस तरफ जब आ जाते हैं आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तब आपको एहसास होता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, इतना आसान रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल मराइल होते हैं। आप कराची आप जर्नलिस्ट मौजूद थे, और तहरीका दस्तर खान भी इस वक्त सच चुका है, और कहा जाता है कि रमजान मुबारक के 3 अशरे यानी पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत, और तीसरा अशरा निजात भी शुरू हो चुका है, तो कहा जाता है कि रमजान मुबारक में जितनी भी नेकी की जाए वो कम है, और बनमुट्टी जितनी भी मदद की जाए की करनी चाहिए, क्योंकि रमजान मुबारक का ये मुकद्दस महीना प्यार मोहब्बत और अखवत का दर्द देता है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तहरीक दस्तर खान भी तक चुका है, तो कहते हैं तहरीक की तैयारी की आपके मेज़बान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, आएंगा नए
तहरी और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह की तला निगेबान और आप सब मिलकर तहरी करते हैं।